सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी जो फेसबुक मैसेंजर है उस पर आपको पहले यहाँ पे प्यूपिल का ऑप्शन देखने को मिलता था, अगर आपका प्यूपिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं और ये प्यूपिल का ऑप्शन आखिर कहाँ चला गया है, यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लेना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बता दूँ, देखिए ये जो है फेसबुक मैसेंजर का एक न्यू अपडेट आया है जिसमें यहाँ से आपको प्यूपिल का ऑप्शन हटा के और मीटा एआई का ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, ये तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट था जो कि पहला था। ठीक है, अब मैसेंजर को आप अगर खोल रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, मीटा एआई, हाईलाइट और चैट्स। बट जो पहला ऑप्शन था वो मैंने आपको दिखाई दिया है, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूपिल का ऑप्शन अगर आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके दो ही तरीके हैं। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर आपने अपडेट नहीं किया है अभी तक फेसबुक मैसेंजर को तो आपके में प्यूपिल का ही ऑप्शन आ रखा होगा, बट अगर आपने अपडेट कर दिया तो ये न्यू अपडेट होने के बाद आपके जो है मैसेंजर में ऐड हो जाएगा मीटा एआई और प्यूपिल का ऑप्शन हट जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे आपको करना क्या है, या तो आपने अगर जो आपके मोबाइल में अगर ऑप्शन हो, किसी किसी मोबाइल में होता है जो अपडेट होता है उसे डाउनग्रेड कर लेते हैं, अपडेट अनइंस्टॉल, ठीक है तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए अपडेट को, या फिर क्रोम या गूगल से कोई बेहतर ट्रस्टेड वेबसाइट से जाके कोई मैसेंजर का ओल्ड वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए, इससे पिछला वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, या एक या दो महीने पहला कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए, तो जो है आपका प्यूपिल का ऑप्शन फिर से वापस आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन क्यों हट गया है और आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इसे वापस ला सकते हैं।